कोई भी काम की शुरुआत चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, बिना नॉलेज के हम कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, अपने काम को एक बहुत बेहतर रूप नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत मस्त होती है। और हम लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, हम मर्सिडीज बेच रहे हैं, जब हम मर्सिडीज बेच रहे हैं तो हमारे पास उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि मर्सिडीज बेचना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब वो बिकती है ना दोस्तों, तो दौलतों की कमी नहीं होती। तो क्योंकि मर्सिडीज बेचने निकले हैं, और जितने भी इस इंडस्ट्री में कंपनियां हैं, चाहे फॉरेन की हो चाहे इंडिया की, किसी भी कंपनी में जो ज्वाइनिंग फीस होती है, या तो वो फ्री में आईडी लगाते हैं और या फिर 1500 से उनकी आईडी लग जाती है। लेकिन विश्व की ऐसी इकलौती कंपनी है निजी जहाँ पे आईडी लेने के लिए मिनिमम 2.25 लाख पे करना पड़ता है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और बहुत प्राउड फील करना चाहिए अपने आप को कि हम 2.25 लाख के प्रोडक्ट जैसी कंपनी के साथ हम अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक जोरदार क्लैपिंग चाहूँगा। हम एक बहुत बड़े बैन बनने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं, और हम सभी के जो ड्रीम्स होते हैं, हम सभी को होते हैं, चाहे वो सोते हुए देखते हैं, चाहे वो जागते हुए देखते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि एक अच्छा घर हो, ड्रीम होता है कि एक अच्छा गाड़ी हो, ड्रीम होता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, और ड्रीम होता है कि अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ देश विदेश की सैर करें। ये हर किसी के ड्रीम होते हैं, लेकिन हर किसी के ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो सपना देखते हैं वो देखते जरूर हैं, सोचते जरूर हैं। जब हम कभी कार में बैठते हैं, हमारे पास कार अगर नहीं है, लेकिन जब हम कार में बैठते हैं तो एक बार मन जरूर करता है काश ये मेरे पास भी होते, ऐसा होता कि नहीं होता सर? ठीक है, इच्छा जरूर उत्पन्न होती है, लेकिन उसी समय हम अपनी इच्छाओं को दफन कर देते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम में हमें पता है कि हम कार नहीं ले सकते। यानी इच्छा पैदा हुई, सपने देखे, लेकिन वो क्षणिक रहा। ठीक है, तो इस तरह से सारे सपने हम देखते जरूर हैं, जब कहीं कॉलोनी से गुजरते हैं या ट्रेन से गुजरते हैं और वहाँ पे हमें 2 मंजिला 3 मंजिला जब बंगला दिखता है तो होता है काश हमारे पास भी ऐसा घर होता है, लेकिन फिर वही अपनी इच्छाओं को दफन कर देते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है जहाँ पे सपने बेचे जाते हैं, और हम ड्रीमर हैं, सेलर हैं, हम सपने बेचते हैं। लेकिन जितनी भी कंपनियां इस मार्केट में रन कर रही है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बयां कर रहा हूँ, क्योंकि 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, आप सभी के पास भी किसी हो सकता है मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन सब एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, सबको पता है कि सारी कंपनियां सपने बेचते हैं। लेकिन आपको शायद ये भी पता होगा, जितने भी पुराने लोग होंगे, कि जितनी भी कंपनी सपने बेचती हैं वो हकीकत में बेचती हैं, लेकिन सच करके बहुत कम कंपनी में ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों को सच कर पाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि सपने तो दिखाए जाते हैं स्टेज पे, बहुत कुछ बोला जाता है स्टेज पे, लेकिन हकीकत में सपने बहुत कम लोगों को पूरे होते हैं, नाम मात्र को पूरे होते हैं। अभी जो टॉप कंपनी इलाहाबाद में चल रही है, टॉप कंपनी 2-3 कंपनी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जो टॉप पे चल रही है, अगर उनकी आईडी आप काउंट करेंगे तो लगभग 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोग जुड़े होंगे, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो मुश्किल से 20-25-50 लोगों के सपने पूरे हो। तो परसेंटेज आप काउंट कर लीजिए कि कितने परसेंट सपने वहाँ पे पूरे होते हैं उस सेक्टर में। सेक्टर यानी हेल्थ का होता है, सेक्टर यानी FMCG का होता है, यही दो प्रोडक्ट लेके कंपनियाँ, कॉस्मेटिक का होता है, यही प्रोडक्ट लेके कंपनियाँ अब रन कर रही होती हैं, और इसी प्रोडक्ट बेस पे वो सपने दिखाते हैं। अब बात आती है एनर्जी की, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग ड्रीमर और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मर्सिडीज बेच सकते हैं। ठीक, आज अगर मैं अपनी बात करूँ, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मैं खड़ा हूँ तो अपनी बात करूँ, आज मुश्किल से मुझे जो ज्वाइन करे हुए काम करते हुए, सिर्फ दिसंबर में काम मैंने स्टार्ट किया था, आईडी लग चुकी थी, लेकिन काम मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर एंड से, और सिर्फ 3 महीने का जो मेरा पे आउट था 1 तारीख से लेके, यानी कि 3 महीने के बाद मेरा जो मार्च का पे आउट था 1 तारीख से लेके 11 तारीख का, वो था 1,52,000। अब आप बताइए कि मर्सिडीज़ का कमाल है ना, ये हमारी मर्सिडीज़ है, सिर्फ इसका कमाल है
बाकी तो ढेरों काम के मैंने काम किया, दिल से काम किया, जुनून के हद तक जा काम किया, क्योंकि सपने मैंने भी देखे थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने जॉब भी डिजाइन करी थी, एरियस मैनेजर था मैं बैंकिस इंडिया में, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, और बाय डिफॉल्ट में आया एक नेटवर्क इंडस्ट्री में एक कंपनी के माध्यम से, जहाँ पे एक लेवल तक पहुँचा, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था, अप एंड डाउन लाइफ में आए। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी कंपनी है रिजिक, जिसका इस धरती पे, पूरे वर्ल्ड में इस धरती पे इससे अच्छा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो प्रोडक्ट इंसान की ज़रूरत है, लोगों की मजबूरी है। अब ये ज़रूरत हमें पैदा करनी होगी, ये ज़रूरत का एहसास कराना होगा, ये लोगों को बताना होगा कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, स्वस्थ रूप से अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये मशीन लगवाना आपकी मजबूरी है। ज़रूरत बाद में है, मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बताने के लिए कि ये मर्सिडीज या ये मशीन निकालने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और बिना ट्रेनिंग के, जैसे मैंने पहले कहा कि बिना ट्रेनिंग के हम बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे निकाल लीजिए और ट्रेनिंग के स्टार्ट करते हैं। पहला आता है मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हम पैदा क्यों हुए, हमने जन्म क्यों लिया, ठीक है। जब ये बात आती है तो यहाँ पे एक शब्द उठता है, वाय, क्यों लिया, या मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, या फिर ऐसे ज़िंदगी गुजार देना है किसी के सहारे पे जीते हुए, ठीक है, या एक बहुत बड़ा नाम कमाना है, ढेर सारे सपने पूरे कर रहे हैं। तो ये हमें वाय पता करना होगा, और जब हमें वाय पता चल जाएगा तो फिर दूसरा आता है हाउ, जब हमें वाय क्लियर हो जाएगा तब दूसरा आता है कैसे। तो सबसे हमें पहले वाय पता करना होगा कि हम पैदा क्यों हुए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपका, आपने क्या सोचा है वाय की, अगर मैं बात करूँ कि आप क्यों पैदा हुए और पैदा होने के पीछे आपका मकसद क्या है, तो मैं सर आपसे पूछूँगा कि आप अपना वाय बताइए, बैठिए बताइए बैठिए, क्यों। मेरा मकसद है कि हम खुश रहें और हमारे साथ जो लोग हैं वो भी खुश रहें, एक अच्छी ज़िंदगी जिए और समाज में एक अपना अलग पहचान बने, इस तरह से जो हमारे साथ जो लोग हैं उनका भी हमारे साथ एक अलग पहचान हो। क्या बात, ताली बजाइए सर। अशोक सर आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपना वाय बताइए, बीच बीच में सबसे मैं कुछ कुछ पूछूंगा और उसका आंसर आप लोग देंगे। अशोक सर आपसे आप बात लिया होगा, बैठ के बताइए सर। एक खुशहाल जीवन हो जी, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क ना आए लाइफ में, इस तरह की लाइफ जीना चाहिए। कैसे होगा, आप बात रास्ते हैं जॉब के, बिजनेस के, ठीक है। तो आपने अपना वाय जो चुना है जी, क्या वो 100% एनर्जी को चुना है कि जो मेरा वाय है वो बिजनेस से पूरा होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस है, या जॉब से पूरा होगा, या फिर डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है जिसमें हम काम करें एनर्जी से, उससे पूरा एनर्जी से पूरा। तो सबसे पहले हमारा वाय होता है,
ये कपड़े का इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे अलग किया जा रहा है। वाय पूरा करने के लिए, क्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ रास्ते होते हैं, जिसमें होता है जॉब, कि हमें आगे पढ़ के पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें जॉब करना है, ठीक है, और उसी से अपने परिवार को चलाना है। दूसरा होता है बिजनेस, और तीसरा होता है जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं वो मजदूरी वगैरह करते हैं, ठीक है, वो होता है लेबर क्लास होता है, और चौथा होता है एमएलएम, ठीक। हम सब जानते हैं कि वाय को पूरा करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे दिमाग में हमारे माँ बाप ये बात डालते हैं कि बेटा तुम पढ़ रहा है, किसे पढ़ रहा है, कि तुझे एक अच्छी नौकरी करना है, नौकरी चाहे प्राइवेट चाहे वो गवर्नमेंट को फोकस होता है गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो वाय को पूरा करने के लिए हम लोग जॉब की तलाश में होते हैं, जॉब को करने के लिए उससे पहले हमें ज़रूरत होती है अच्छी एजुकेशन, ठीक है। लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी आपका वो मेजरमेंट जो आपने किया है 50 लाख का टारगेट लिया अपने घर को बनाने के लिए या जगुआर खरीदने के लिए या BMW खरीदने के लिए, तभी आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहुँचोगे। यानी कि वो मेजरमेंट जो आपका है वो धीरे 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 वहाँ पहुँचने के लिए अग्रसर हो, ऐसा ना हो कि टारगेट तो ले लिया कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अभी काम कर रहे हैं सोचिए चलिए इस महीने में टारगेट लेते हैं 2 मशीन का, अगले महीने में 4, 6, 8, 10, 1 साल में तो हमारा 50 लाख आ जाएगा, ये आपने मेजरमेंट लिया, ठीक है। लेकिन अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, पता चला कि वो जो आपने 50 लाख का टारगेट लिया है बिना मेजरमेंट के आप आगे बढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, सोचा 4 महीना छोड़ो अभी चलते हैं लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तो जो आपने 4 महीना गंवा दिए वो आपके लक्ष्य को पहुँचाने में सहायक नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपने 50 लाख का टारगेट लिया है, घर का टारगेट लिया है, तो धीरे 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 अगर बाइक नहीं है तो बाइक आ गई, ठीक है, कार नहीं है तो 5 लाख 10 लाख की कार नहीं है, ठीक। इस तरह स्टेप बाई स्टेप करते करते अपने लक्ष्य को पहुँचना, ठीक है। तो ये मेजरमेंट होना चाहिए, हमारा जो ड्रीम होता है, ठीक है, हमारा जो लक्ष्य होता है अचीवेबल होना चाहिए, लिखिए अचीवेबल होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 60 लाख का अगर आपने घर बनाने की तैयारी करी कि मुझे 1 साल में 60 लाख का बंगला तैयार करना है, तो वो आपके अप्रोच में होना चाहिए, आपके अचीवमेंट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आपसे बोला गया कि सर आपका टारगेट क्या है, तो हमने बोल दिया कि सर हमारा टारगेट है कि 50 लाख का हमें घर बनाना है, कब तक बनाएंगे सर, तो पता चला कि सर बस 6 से 8 महीने। यानी कि आपने बोल तो दिया, ठीक है, अब बोलने के बाद उसे जो है अचीव करना होगा। तो टारगेट ऐसा लीजिए कि जो आप टारगेट अचीव कर सकते, पता चले कि हमने टारगेट लिया 60 लाख का और हम पहुँच नहीं पा रहे, तो हमेशा आप टारगेट जब भी लीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। वो तो ये अनिल सर ने एक टाइम लिया कि मुझे 6 से होना है मार्च में, ठीक है। किसी ने टाइम लिया कि सर मुझे मार्च में जो है 4 व्हीलर लेना है। अब आपने जो टारगेट लिया है एक आपने टाइम बाउंड कर लिया ना, अपने आपने जो सोचा है उस सोच को आपने टाइम में बांध लिया कि इतने तारीख को ये मुझे गाड़ी लेनी है और इस महीने में मुझे 6 से होना है। जब तक हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे तब तक हमारे जो एफर्ट्स होंगे उस लेवल पे नहीं होंगे, और जब हमारे हमने टाइम ले लिया कि मुझे 3 महीने में 6 से होना है या 3 महीने में मुझे 6 से, 6 महीने में मुझे 6 से 2, अगर हमने टाइम नहीं लिया तो बिना टाइम के कोई भी टारगेट कोई भी गोल क्लियर नहीं करते। इसलिए जो ड्रीम में आपका एक पार्ट आता है, जो भी ड्रीम आपने देखा है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको एक टाइम लेना होगा, उस टाइम को आपको अपनी डायरी में लिखना होगा और अपने दिल में लिखना होगा कि इस तारीख को मुझे ये चीज़ पूरी करनी है या इस चीज़ मुझे हासिल करनी है, ठीक है। तो ड्रीम में इतनी चीज़ आती है, ठीक, पहला हो गया स्पेसिफिक, मतलब कि उस पर होना चाहिए कि हाँ हम जो चीज़ ले रहे हैं वही चीज़ करना है, उस पर बार बार ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल,
यानी कि धीरे धीरे उस गोल को, उस चीज़ को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। तीसरा से अचीवेबल कि आपके वो अप्रोच में होना चाहिए, आपकी पकड़ में होना चाहिए, फालतू की बात नहीं, ठीक है। तीसरा रियलिस्टिक सच्चाई होनी चाहिए कि हाँ आपने जो लिया है वो बिल्कुल सच है, करना है उसको, ठीक है, ना उनको नहीं चलेगा। तीसरा है कि टाइम की फाउंडेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ अगर आपने कर ली तो आपका जो ड्रीम है उसे पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता है। अब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारी चर्चा में ड्रीम हो रही है, तो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी, ठीक है, जिसको कहते हैं ड्रीम लिस्ट। नोट कर लीजिए, ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट में आता है राइट द ड्रीम व्हाट यू फुली वांट फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, ठीक है। अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो आपके वो कॉपी पे जब बनाते हैं तो वो यहाँ बनना चाहिए, आपके दिल में बनना चाहिए। एक डेट लिखिए कि इस तारीख को मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो उसमें जब लिस्ट देखेंगे तो वो, जब आप अपने ड्रीम को लिखने का जब आप डेट डालते हैं तो वो डेट आपके पेपर पे बन रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि हाँ ये, तभी हम दिल से उस काम को पूरा कर पाएंगे। दूसरा होता है की वेटिंग योर ड्रीम लिस्ट। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले, ठीक है, हम 20 लाख 22 लाख की गाड़ी नहीं लेंगे, हम सबसे पहले 4 लाख 5 लाख की गाड़ी लेंगे, तो वो आपका ये छोटा ड्रीम होगा, ठीक है, 4 लाख 5 लाख का। तो ये आपका ड्रीम अप टू 6 मंथ का होना चाहिए, 6 महीने में शॉर्ट टर्म ड्रीम, जिसको हम बांटते हैं 3 कैटेगरी। पहला हो गया आपका अप टू 6 मंथ, दूसरा हो गया मिड ड्रीम, जिसको बोलते हैं 6 से 18 महीने, जिसमें आपका घर भी हो सकता है, आपकी ज़मीन भी हो सकती है, कि किसी एरिया में 20 लाख 25 लाख की ज़मीन मिल रही है तो आपने उसको ले लिया, ठीक है, उसको आप जो है या कहीं आप फ्लैट कर सकते हो। तो ये आपका जो मिड ड्रीम हुआ वो आपका 6 महीने से लेके 16 महीने 18 महीने। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम, यानी कि 18 महीने 1.5 साल एंड अबव। अब वो 1.5 साल एंड अबव में, क्योंकि लंबा समय होता है, वो 1.5 साल एंड अबव में, अबव मतलब ये नहीं कि 4 साल 5 साल, अब मतलब कि वो 2 साल के अंदर निपटा देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल में करोड़पति बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? यस बनना है ना? यस ताली बजे, 2 साल के अंदर करोड़पति बनना है। तो नेक्स्ट जो हमारा तीसरा ड्रीम होगा वो होगा आपका 18 महीने एंड अब, यानी कि 18 से 24 महीने, लिख दीजिए, अब को हटा दीजिए, 18 से 24 महीने का अब में जाएंगे तो फिर आपको ठीक है। तो ये हो गया, और ये जो ड्रीम है, जब जब उठते बैठते खाते पीते गाड़ी चलाते, वो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा, ये मतलब ब्राउन करना चाहिए। और करते 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 6 महीने बीतेगा, 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, और बीत जाएगा, और आप इस सपने, जो भी सपने आपने देखे वो सारे सपने आपके हकीकत बोले जाए। उसके बाद होता है जो हमारे काम को में बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फियर लिस्ट, घबरा जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हम नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अवरोध पैदा करता है हमें लाइफ में आगे बढ़ने की, ठीक है। तो उस अवरोध को प्रेरित करता है। तो खैर वो सब बातें हुई, उसके बाद बात हुई क्या कर रहे हैं, मैंने बताया ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी मजाक मजाक में मैंने कहा तेरे को मैं अपना ऑफिस दिखाता हूँ, क्या वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करके मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी, खूब ऑफिस मेरा चकमकाने लगा, और उसके बाद वीडियो कॉल करके उसको पूरा दिखाया। हमने कहा देख ये मशीन है और ये फ्लैक्स लगा हुआ, ये देख मेरी कुर्सी है, ये देख मेरी टेबल है, दिखा दो, क्योंकि कुर्सी ऊँची होती है ना, दिखती है बढ़िया, तो ऑफिस अपने बाबू साहब वाली। उसके बाद सर दिखा के बाहर गया, बाहर उसका पूरा फ्लैश वगैरह दिखाया, सब कहा ऑफिस उसने बड़ा शानदार बनाया है। हमने कहा भाई इतना बड़ा काम करे तो शानदार नहीं बने? तो इससे क्या होगा ना कि वो इतना, मैंने कहा यार ये 3 लाख इस बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ, और 3 लाख से फिर मैं बताया कि सिर्फ 2 साल में 3 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य है, सिर्फ 2 साल के अंदर, और 3 साल में 5 करोड़ कमाना, क्या कमा लेगा? हमने कहा तो उससे ज़्यादा कमाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस। और जब वो सब पूरा देख लिया, उसके दिमाग में ये आ गया कि 3 लाख रुपए में हम इस तरह के अपना ऑफिस क्रिएट कर लेंगे,
ठीक है, और इस तरीके से मैं ऑफिस खोल के ना बैठ जाएंगे, फिर मैंने उसको ब्रोशर दिखा, ये देख ब्रोशर, ठीक ये तेरे से छापते हैं, मैंने कहा तेरे को फोटो खींच के सब भेज दूंगा, ठीक। उसके बाद अब वो जो है बिल्कुल एक्साइटेड है और बोल रहा है गाँव आ रहा है। फिर हमसे उसने घर में आपसे बताना भूल गया था अविन सर, कि वो बोल रहा था कि मेरे को यहाँ पे कोटा में कोई ऐसा बंदा हो जो जहाँ पे मैं पानी कुछ दिन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं तेरे अकाउंट में पैसा डाल दूँगा। मैंने कहा ठीक है मैं तेरे को बताऊँगा, ठीक है। एक ये हुआ कि एमपी के मेरे कुछ फ्रेंड थे उनसे बात हुई, बिहार के फ्रेंड थे, तो ऑफिस में क्या होता है ना जब आप अच्छे रिश्ते में जाते हैं ना तो यार आज अपना ऑफिस दिखा दे यार, तो आपने वीडियो कॉल करके अपना ऑफिस का पूरा लुक दिखा दिया, तो आप ऑफिस दिखा रहे हो तो मैं इसके दिमाग में बन रहा हूँ मेरा भी ऐसा ऑफिस होगा, मेरी वैसी चेयर होगी, मेरा भी ऐसा टेबल होगा, मेरी वैसी मशीन होगी, वो पिक्चर उसके दिमाग बनने लगती है, ठीक है। तो ये किसी ने फॉलो किया इस चीज़ को? अरे बहुत तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिजनेस को और मजबूती मिलेगी और निखरेगा आपका बिजनेस, क्योंकि आपके मशीन पे जो लोग हैं वो हैं इंसान, और इंसान हमारा रॉ मटेरियल, तो जितना ज़्यादा हम खींच सकें, जितना ज़्यादा हम ले सकें, अपने लिस्ट में उसको ऐड कर सकें, वही लिस्ट हमें मशीन आगे चल के देंगे, ठीक है। इसके बाद गेस्ट लिस्ट खत्म होगी, सबने बना लिया लिस्ट पूरी, उसके बाद आता है वही हो गया, तो ये सेशन खत्म करें, हाँ हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा, और ये हमारा पहला सेशन का पहला पार्ट, इस सेशन का ट्रेनिंग सेशन का पहला पार्ट हमारा ख़त्म होता है। अभी हम लोग पहले के लिए ब्रेक लेते हैं, ठीक, चाय पीते हैं और अमृत पीने के साथ चाय पीते हैं, उसके बाद